भारत और कनाडा के दरमियान कशीदगी में इजाफा। भारत का कनाडा के 40 सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। सिफारती इस्तिस्ना खत्म करने की धमकी भी दे दी। बगैर इजाजत कौमी सलामती का खुफिया तरीन डेटा मुंतकिल करने का इल्जाम। RCMP के एक साबिक सीनियर इंटेलिजेंस एहलकार को तहकीकात का सामना। ऑर्टिस को 2019 में गिरफ्तार किया गया था। टोरंटो की मेयर ओलिविया चो के 100 दिन मुकम्मल। ओलिविया चो शहर के अहम मसाइल से निमटने के लिए कोशां। उनका कहना है, हमें विफाक की मदद की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को तबाह करने पर तुले हुए हैं। जो बाइडेन का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप बदले और इंतकामी कार्रवाइयों के दिलदाता हैं। ट्रंप का कहना है कि मेरी व्हाइट हाउस में वापसी नाकाम बनाने की कोशिश हो रही है। अंकारा में खुदकुश धमाके के बाद तुर्क पुलिस का क्रैकडाउन। 90 अफराद गिरफ्तार। तुर्क पार्लियामेंट पर हमला। सदर तैयब उर्दुगान का सरहद पार ऑपरेशन का अंदिया। तैयब उर्दुगान का कहना है कि हम किसी भी रात अचानक हमला कर सकते हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, PNP एंड PR वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट एंड बिजनेस वीजास। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। लाइटो इमिग्रेशन। भारत ने कनाडा को फौरी तौर पर अपने सिफारतकारों की तादाद में एक तिहाई कमी का हुक्म दे दिया है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। भारत ने कनाडा को फौरी तौर पर अपने सिफारतकारों की तादाद में एक तिहाई कमी का हुक्म दे दिया। भारतीय हुकूमत ने कनाडा को धमकी भी दी है कि अगर उसकी बताई गई तारीख तक सिफारतकारों ने मुल्क नहीं छोड़ा तो उनको हासिल सिफारती इस्तिस्ना खत्म कर दिया जाएगा। भारत और कनाडा के दरमियान खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल के बाद कशीदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह के कनाडा में कत्ल के बाद जहां कनाडा ने भारतीय सिफारतकार को मुल्क बदर किया, तो उसके जवाब में भारत ने भी कनाडा के सिफारतकार को मुल्क छोड़ने के अहकाम जारी किए थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती सतह पर कशीदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है और भारत ने अब कनाडा को अपने सिफारत खाने में तकरीबन एक तिहाई अमला कम करने का हुक्म दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने कनाडा को भारत में मौजूद सिफारत खाने से 40 सिफारतकारों को वापस बुलाने का हुक्म दिया है और उसके लिए 10 अक्टूबर तक की तारीख दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि भारतीय हुकूमत ने कनाडा को साथ धमकी भी दी है कि अगर उसकी बताई गई तारीख तक सिफारतकारों ने मुल्क ना छोड़ा तो उनको हासिल सिफारती इस्तिस्ना खत्म कर दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कनाडा के 62 सिफारतकार मौजूद हैं, जिनकी तादाद 41 तक कम करने का कहा गया है। कैमरॉन ऑर्टिस के मुकदमे की समाअत शुरू होने वाली है। ऑर्टिस पर इल्जाम है कि उन्होंने बगैर इजाजत के 4 नामालूम अफराद को कौमी सलामती का सबसे खुफिया डेटा मुंतकिल किया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैमरॉन ऑर्टिस के मुकदमे की समाअत शुरू होने वाली है। ऑर्ट्स पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने बगैर इजाज़त के 4 नामालूम अफराद को कौमी सलामती का सबसे खुफिया डेटा मुंतकिल किया। ये केस मिसाली होगा क्योंकि ऑर्टेस पहला कैनेडियन होगा जो सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत इल्ज़ाम के लिए मुकदमे से गुजरेगा। सितंबर 2019 में गिरफ्तार होने से पहले ऑर्ट्स RCMP के नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन सेंटर के डायरेक्टर जनरल थे। इस पोजीशन में वो राजदारी का पाबंद था और उसे मुल्की और बैनुल अक्वामी शराकत दारों से सरे फहरिस्त खुफिया मालूमात तक रसाई हासिल थी। ऑर्ट्स के खिलाफ इल्जामात 2015 के हैं। कनाडा की कौमी जासूसी एजेंसी कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस के साबिक एग्जीक्यूटिव मैनेजर डेन स्टेंटन का कहना था
कि ये कनाडा का पहला वाकया है। स्टेंटन ने कहा इसमें बहुत दिलचस्पी होगी कि कनाडा कैसे मुकदमा चलाता है। ऑर्ट्स को 6 मुजरिमाना इल्जामात का सामना है जिनमें SOIA की दफा 14 के तहत 4 भी शामिल हैं। इल्जामात में इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने जानबूझकर और बगैर इख्तियार के 4 नामालूम अफराद को खसूसी ऑपरेशनल मालूमात फराहम की। इसे कंप्यूटर सर्विस तक धोखाधही से रसाई और एतमाद के खिलाफ वर्जी करने के इजाफी 2 मुजरिमाना इल्जामात का भी सामना है। ऑर्टेस तमाम इल्जामात में कसूरवार ना होने की इस्तेदा करेगा और अपने दिफा में गवाही देगा। ऑर्टेस के वकील का कहना है कि अपने साथियों की ज्यूरी के सामने पेश होने और उन्हें अपने अल्फाज में बताने का मुंतजर है। वो अपनी कहानी सुनाने के लिए बरसों इंतजार कर रहे हैं। टोरंटो की मेयर ओलिविया चो ने इंतखाबात के बाद तकरीबन 100 दिन बाद टोरंटो को दरपेश अहम मसाइल से निमटने की कोशिश की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो की मेयर ओलिविया चो ने इंतखाबात के बाद तकरीबन 100 दिन बाद टोरंटो को दरपेश अहम मसाइल से निमटने की कोशिश की। ओलिविया चो को मेयर मुंतखब हुए तकरीबन 100 दिन हो चुके हैं। इस वक्त में चाओ कुछ अहम मसाइल से निमटने के लिए काम कर रही हैं जो उन्हें विरासत में मिले हैं और नए किरदार में हल करने की कोशिश कर रही हैं। उसने 13 जुलाई को बाज़ाब्ता तौर पर ओहदा संभालने से पहले निचली सतह की तंजीमों, अमले और काउंसलर से मुलाकात की और जल्द अज जल्द असरअंदाज होने की कोशिश की। मेयर को बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना था जिनमें से सबसे बड़ा मालियाती है और वो माली मदद के लिए सूबे के साथ कुछ पेशरफ्त कर रही है। इसका पहला काम पनाह गुजीनों के बहरान से निमटना था जिन्हें ये बताने के बाद कि वहां जाने के लिए कोई जगह नहीं है। ओलिविया चाओ का कहना था कि वो महाजरीन जो पीटर स्ट्रीट के सामने फंसे हुए हैं, हम जानते हैं कि हमारी पनाह गाहें भरी हुई हैं। चाओ की पहली मुलाकात में नए आने वालों की मदद के लिए कुछ कलील मुद्दती रद्द अमल मिला जिसमें कैनेडा ऑन्टेरियो हाउसिंग बेनिफिट को 6.67 मिलियन डॉलर के साथ ऊपर करना और पनाह गुजीनों के लिए 250 इजाफी पनागाहें खोलना शामिल हैं। 1.5 बिलियन डॉलर के बजट की कमी जिसका शहर को सामना है उस पर तेजी से तवज्जो मबजूल कराई गई और उसके साथ साथ एक नए म्यूनिसिपल सेल्स टैक्स को रकम लाने के तरीके के तौर पर लाया जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि वो अभी तक उन बड़ी तरजीहात को अपनी फहरिस्त से हटा सकती हैं लेकिन वो यकीनी तौर पर काफी हद तक तरक्की कर रही है। ताहम ओंटेरियो प्लेस के मुस्तकबिल पर सूबे के साथ लड़ाई जारी है और इंतखाबात के बाद से गार्डनर एक्सप्रेसवे का कोई जिक्र नहीं किया गया। जहां तक वफाकी हुकूमत का ताल्लुक है, चाओ ने कहा वो गुज़िश्ता हफ्ते ऑटावा में होने वाली कई मुलाकातों के बाद पर उम्मीद है। इसका ख्याल है कि रफ्तार बढ़ रही है और विफाक शहर की संगीन सूरत हाल को समझता है। चाओ का कहना है कि मैंने टोरंटो शहर में किराएदारों के साथ क्या गुजर रही है इस पर गिरफ्त करने की कोशिश की और कहा कि हमें अभी फौरी मदद की जरूरत है। मुस्बत बात यह है कि उन्होंने नहीं कहा कि वो इस बारे में सोच रहे हैं। ओंटेरियो प्लेस के मुस्तकबिल पे सूबे के साथ लड़ाई जारी है और इंतखाबात से गार्डनर एक्सप्रेसवे का कोई जिक्र नहीं किया गया। अमरीका के सदर जो बाइडन ने साबिक सदर और सियासी हरीफ को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप मुल्क जमहूरियत और सियासत को तबाह करने के दर पर हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीका के सदर जो बाइडन ने साबिक सदर और सियासी हरीफ को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप मुल्क जमहूरियत और सियासत को तबाह करने के दर पे है। आलमी खबर इस अदारे के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि साबिक सदर ट्रंप इस बार इलेक्शन में अपनी फतह के लिए हर जायज़ और नाजायज़ हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे उससे मुल्क और जमहूरियत को कितना ही नुकसान क्यों ना पहुंचे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने मजीद कहा कि डोनाल्ड ट्रंप बदले और इंतकामी कार्रवाइयों के दिलदादा हैं जो आज़ादी इजहार राय और कानून की बालादस्ती के लिए खतरा बन चुके हैं। ताहम सदर जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप की मुमकिनाना अहली से मुतालिक पूछे गए सवाल का जवाब देने से गुरेज किया। सदर जो बाइडन ने ट्रंप की जमात के अरकान असम्बली को इंतहा पसंद करार देते हुए कहा कि रिपब्लिकन जमात मुल्क की सालमियत और जमहूरियत के लिए खतरा बनती जा रही है। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं लगता अमरीकी शहरी फ्रॉड केस के खिलाफ मेरे साथ खड़े होंगे। डेमोक्रेट मेरी व्हाइट हाउस में वापसी को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल और डेमोक्रेट रहनुमा लिडिया जेम्स ने फ्रॉड का मुकदमा करवा रखा है। केस में साबिक सदर पर झूठे कागजात से दौलत में इजाफा करने का इल्जाम है। डोनाल्ड ट्रंप आज इस केस में अदालत में पेश हुए। न्यूयॉर्क की अदालत में फ्रॉड केस की समाअत में वक्फे के दौरान गुफ्तगू करते हुए साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि मेरे खिलाफ ये झूठा इल्जाम है, ऐसे जज को बाहर निकाल देना चाहिए। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर जो बाइडन दूसरी मियाद के लिए भी 2024 में होने वाले सदारती इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और अगर वो जीत जाते हैं तो 86 साल की उम्र में सदर बनने का एजाज हासिल करेंगे।
तुर्किया के दारुल खिलाफा अंकारा में होने वाले खुदकुश धमाके के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 90 अफराद को हिरासत में ले लिया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अंकारा में इतवार के रोज होने वाले हमले में मुलाविज दहशत गर्दों की तलाश में तुर्किया की पुलिस ने 18 सूबों में कार्रवाई के दौरान कुर्द अस्करियत पसंद ग्रुप से ताल्लुक के शुबे में 90 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ख्याल रहे दो रोज कबल तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में सरकारी इमारतों के करीब होने वाले खुदकुश धमाके में 2 पुलिस अहलकार जख्मी हुए थे। हमला करने वाले एक दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ा लिया था जबकि दूसरे हमलावर को पुलिस ने हलाक कर दिया। धमाके की जिम्मेदारी कुर्द अस्करियत पसंदों ने कबूल की थी। तुर्क दारुल हुकूमत ने पार्लियामेंट में हमले के बाद तुर्क हुकूमत ने दहशतगर्द ग्रुप PKK के खिलाफ सरहद पार कार्रवाइयों के लिए दोबारा गौर करना शुरू कर दिया। अर्दोगान ने कहा तुर्की की सरहदों से बाहर दहशतगर्दी के खिलाफ नई कार्रवाइयों की जरूरत है। तुर्की ने ज्यादातर अलहदगी पसंद दहशतगर्दी के मसले को अपनी सरहदों के अंदर ही हल किया, हालांकि इसे कई दहाइयों तक भारी इंसानी और मौशी नुकसान उठाना पड़ा और अब हम बैरून मुल्क दहशतगर्द ग्रुप के वजूद को ख़त्म करके खतरे के जरिए को ख़त्म करना चाहते हैं। तुर्क मीडिया के मुताबिक सदर रजब तैयब अर्दोगान ने दहशतगर्द तंजीम PKK के हमले के बाद पार्लियामेंट से खिताब किया जिसमें सरकारी इमारत की हिफाजत पर मामूर 2 पुलिस अहलकार जख्मी हुए थे। अर्दोगान ने खिताब में दहशतगर्द ग्रुप को खबरदार किया कि हम एक रात अचानक हमला कर सकते हैं। टैग टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।